नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने बैंक रिटायरीज के जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में सर्कुलर IBA ने जारी किया है, अब तक हमारे बहुत से साथी ने उसको देख लिया होगा। और किस तरह का लूट राहत के नाम पर IBA और EOBU मिलकर कर रहे हैं वो आप सबने देख लिया। जिस 2015 में जब इस योजना की शुरुआत की गई थी तो जो 4 लाख का बेस कवर होता था उसके लिए 7,473 रुपए का प्रीमियम निर्धारित किया गया, और आज 2023 में बिना सीलिंग के 4 लाख के कवर का प्रीमियम 77,373 रुपए कर दिया गया, जिसमें 2 लाख बेस प्रीमियम बेस कवरेज एंड 2 लाख टॉपअप, यानी कुल मिला के 4 लाख। और 77,373 रुपया यानी कि 10 गुना प्रीमियम बढ़ गया। और ये तब हुआ है जब हर साल यूनियन और IBA इस कवायद करती है कि रिटायरीज का प्रीमियम कम हो जाए ताकि उन पर आर्थिक बोझ ना हो। अब आप बताइए कि अगर हम 4 लाख का प्रीमियम लेते हैं और 77,373 का पेमेंट करते हैं, यानी हमारे जो रिटायरी साथी हैं जिनका एवरेज एक तरह से मान लीजिए जो पेंशन होगा मेरे हिसाब से 40,000 से 50,000 के बीच में, यानी कि 1.5 से 2 महीने का प्रीमियम अपना पेंशन केवल प्रीमियम में दे दें तो खाएंगे क्या? इस बारे में क्या बैंक्स, क्या IBA, क्या EOBU के नेता ने इस बारे में सोचा? अगर आप मार्केट में जाएं, अगर कोई प्रीमियम लेना चाहे 4 लाख या 5 लाख का, तो भी 35,000, 38,000, 40,000 से ज्यादा नहीं है। और हम 73,773 पेमेंट करें जबकि बैंक के सहूलियत के हिसाब से ये प्रीमियम दिया जा रहा है, और उसमें 2+2 में टॉपअप में कितने सीलिंग्स कितने कैपिंग्स लगे हैं वो हमको नहीं पता है। वो तो तब पता चलेगा अगर तब हमें अगर कोई प्रीमियम की हमें कभी इसकी राहत की जरूरत होगी, जब हमें बीमारी में इसकी आवश्यकता होगी तब पता चलेगा कि हमको उस 4 लाख में कितनी हमको एलिजिबिलिटी बन पाएगी। सो फ्रेंड्स, ये इतना क्या कहते हैं कि दुखदाई है कि फिर राहत के नाम पर हमको लूटा जा रहा है। और इस संबंध में AIBRF ने एक पत्र 20/9/23 को चीफ लेबर कमिश्नर को लिखा। डिस्प्यूट ऑफ द ग्रीवांसेज ऑफ लैक्स ऑफ बैंक रिटायरीज इन द मैटर ऑफ ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम administered and managed by Indian Bank Association as a nodal agency and other retiree issue. Request, उन्होंने reference दिया है, we find that IBA has now issued circular dated 18 September 23, released on 19 September, announcing the rate of premium. A, that rates fixed are abnormally high, unexpected and shocking for entire retirees community and defeats very purpose of the exercise to reduce premium rates and makes the policy affordable for all section of retirees. The highest premium fixed for the retiree is ₹3,65,505 this year, while the fact remains that average pension of the bank retiree is less than 3 lakhs per annum. After release of the above referred communication by IBA, there is a widespread anger, disappointment, frustration among lakhs of the retirees, which includes many super senior citizens in age ranging from 80 to 90 years and family pensioner. They strongly feel that approving and offering policy with high premium of ₹3.65 lakhs for retirees is cruel joke and them happened heaped upon them by the parties
ऑफ द डिसटलमेंट एंड अपीयर्स टू बी पनिशमेंट टू देम फॉर अप्रोचिंग लीगल फोरम फॉर स्टॉपिंग वायलेशन ऑफ द सेटलमेंट टर्म्स टू सिक्योर जस्टिस फॉर देम. 5 lakh retirees are completely clueless and at complete loss to as how to manage health insurance for self and his spouse and feel that they have no option to leave their life to the fate of destiny. और ये सच है कि इस तरह के बढ़ते हुए प्रीमियम के पास हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम इस स्कीम से अलग हो जाएं और भगवान के भरोसे अपने हेल्थ के बारे में सोचें. और अगर कुछ होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भगवान भरोसे. क्योंकि IBA से बैंक से किसी प्रकार का कोई सहारा मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं है. देयर इज अ वेरी स्ट्रांग फीलिंग एट अपीयर्स टू बी लॉजिकल दैट पार्टीज टू द सेटलमेंट हैव प्रोसीडेड स्टेप बाय स्टेप टू ब्रिंग द रिटायरीज टू दिस एडवर्स पोजिशन. फ्रेंड्स, इस सर्कुलर की मैं आपको कॉपी दूंगा और इसमें ज़्यादा ना इसके बारे में कोई पढ़ने के बारे में. इफ़ यू कंपेयर द रेट्स फॉर चार्जेबल टू एम्प्लॉयज एंड रिटायरीज फॉर 23-24 यू विल फाइंड ह्यूज गैप. सम इंश्योर्ड 3+4 lakhs, एम्प्लॉयज 33,000, रिटायरीज 82,000, डिफरेंस ऑफ 49,000. यानी कि जो एम्प्लॉयज का प्रीमियम है और जो रिटायरीज का प्रीमियम है उसमें भी इतना बड़ा ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस. यदि आप 9 lakhs 4+5 का लेते हैं तो 43,000 एम्प्लॉयज के लिए देना पड़ेगा और रिटायरीज के लिए 93,000. यानी देयर इज अ डिफरेंस ऑफ द 50,000. फ्रेंड्स, सर्कुलर का ये मैं लिंक आपको दूंगा, उससे आप पढ़ सकते हैं. क्योंकि खाली अब तो गुहार लगाने की जरूरत है. कारण क्या, इसका रिजल्ट जैसा कि पहले बिग जीरो था और अब भी बिग जीरो है. उसी समय अगर आप स्टेट बैंक के प्रीमियम देखें, स्टेट बैंक के जो ऑफिसर्स का जो अलग से प्रीमियम है उसको देखिए, IBA वर्सेस SBI, तो आपको लगेगा कि IBA का जो हमारा फैमिली के लिए 2 lakhs का बेस, उसका प्रीमियम 26,654 है और 7 lakhs के 80,684, यानी 9 lakh के कवर के लिए 1,07,338 रुपीज है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बेस कवरेज 3 lakhs का प्रीमियम 19,490 और प्लस 6 lakh का कवरेज 7,812, यानी कि टोटल पेमेंट कवरेज ऑफ 9 lakhs दैट इज 27,302. और अगर आप कंपेयर करें तो 1,03,338 वर्सेस SBI 27,302, It is 400% more. Banks pay a subsidy to retirees. SBI retirees pay only rupees 19,419. हम क्यों नहीं इस आधार पे केवल बैंक IBA से कोई संबंध न रख के इस स्कीम को फ्लोट करती. बैंक वाइज हमारे 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, वो अपना इंश्योरेंस कंपनी से बात करके इस तरह के स्कीम का इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं करती. IBA से क्या मतलब इससे. जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस IBA हमें कोई सपोर्ट नहीं करती तो ऐसे लोगों को इस इंश्योरेंस प्रीमियम से हम क्यों नाता रखें. कुल मिला के शोषण, अनजस्टिस और हर बार की तरह एक बार फिर भी छल कपट हम लोगों के साथ हुआ है और इसका न्याय केवल भगवान ही कर सकते हैं. थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार.